हेलो एवरीवन, टैलेंटेड डेवलपर में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एचटीएमएल लिस्ट के बारे में जानेंगे। ये लिस्ट एक्चुअली में होता क्या है? अगर आपको कोई आइटम परचेस करना हो तो आप ग्रोसरी शॉप जाने से पहले उसको आप नोट्स में लिखते हो, उसको आप ऑर्डर वाइज या रैंक वाइज मेंटेन करते हो। ठीक उसी प्रकार एचटीएमएल में हम लोग लिस्ट को दो टाइप से बनाते हैं। पहला होता है अनऑर्डर और दूसरा होता है ऑर्डर। सो अनऑर्डर लिस्ट का टैग होता है यू एल। अगर आप नोटिस करोगे यू स्टैंड करता है अन ऑर्डर, एल मतलब लिस्ट हुआ, और ऑर्डर वाइज के लिए क्या करते हैं, ओ मीन्स ऑर्डर लिस्ट, राइट। सो हम लोग देखते हैं कि अन ऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। मैक्सिमम लोग एचटीएमएल में अन ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। सो हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं बॉडी सेक्शन में आता हूँ। सबसे पहले यू एल टैग को ओपन करता हूँ और नीचे में आके मैं यू एल टैग को क्लोज कर रहा हूँ, राइट। और मैं इसको अगर रन करूँगा तो कोई भी चेंज नहीं दिखेगी। सो हमें लिस्ट ऑफ आइटम को ऐड करना है। सो आइटम को हम लोग लिस्ट में मेंटेन करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एल आई टैग को यूज़ करना है, राइट। ये हमारा टैग स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइटम के नाम। सो सबसे पहले मैंगो, राइट। अब मैं इस लिस्ट को क्लोज कर रहा हूँ, राइट। ठीक नीचे आते हैं, फिर से हम लोग एक और लिस्ट आइटम मेंटेन करते हैं। यहाँ पे हम लोग दूसरे फ्रूट्स का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैं ऑरेंज लिख रहा हूँ, फिर से मैं ऑरेंज को क्लोज कर रहा हूँ, राइट। फिर से नीचे आता हूँ, फिर से एल आई को ओपन करता हूँ और यहाँ पे थर्ड आइटम को मैं बनाना लिख रहा हूँ और बनाना को क्लोज कर रहा हूँ। सो आप हमेशा याद रखें कि जब भी एल आई टैग को यूज़ करें उसको हमेशा यू एल या ओ एल के अंदर ही रखें। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। जैसे आप इसको रन करोगे आप देखोगे ये बुलेट ऑटोमेटिकली ऐड हो चुके हैं, राइट। सो ये हमारा हुआ अन ऑर्डर लिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और उसके नीचे आके पेस्ट करता हूँ और यू एल टैग को मैं अपडेट करके ओ एल कर दे रहा हूँ। फिर से नीचे वाले टैग को भी मैं चेंज करके ओ एल कर दे रहा हूँ, राइट। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। जैसे मैं रन करूँगा आप नोटिस करोगे कि सबसे पहले यहाँ पे बुलेट्स आए थे, अब 1 2 3 ऑटोमेटिकली ऑर्डर वाइज आ चुके हैं। सो ये हमारा वे है लिस्ट को शो करने का। आप लिस्ट ऑर्डर वाइज शो कर सकते हो या अनऑर्डर वाइज शो कर सकते हो।